और बीती रात अहमदाबाद के एक अस्पताल में जहां कोविड पेशेंट्स को रखा गया था वहां आग लग गई, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई और 40 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हम आपको बता दें कि इन लोगों को एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिशा यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। दिशा, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है, कैसे ये आग लगी? जी अनुया, अगर हम कोविड अस्पताल की बात करें जो अहमदाबाद के नवरंगपुरा में है, अस्पताल का नाम है श्री हॉस्पिटल, जहां पे रात को जो है वो आईसीयू वार्ड में आग लगने के कारण 8 लोगों की जान गई है, उसमें 5 मेल एंड 3 फीमेल पेशेंट्स जो आईसीयू वार्ड में एडमिटेड थे। ये एक पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और जिसमें और 40 कोविड पेशेंट्स जो है वो एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी और बाकी 40 पेशेंट्स को जो है वो दूसरे जो SVP अस्पताल है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी को इंजरीज नहीं रिपोर्ट की गई है। फायर जो है वो रीजन क्या है वो अभी तक नहीं सामने आ पाया है। जो रीजन है वो अभी इन्वेस्टिगेशन पे है कि किस वजह से जो है वो आईसीयू वार्ड के अंदर जो है वो फायर लगी है, वेदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट थे कि नहीं, कि फायर फाइटिंग मशीन ऑपरेशनल थे कि नहीं, ये जो है अभी जानकारी जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले रही है। ठीक है, शुक्रिया दिशा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।